ओके, गुड मॉर्निंग बेटा. लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. आज हम बात करेंगे डीएनए के बेसिक स्ट्रक्चर की. कल हमने डबल हेलिकल मॉडल देखा था, उसके बेसिस पे कुछ जो स्ट्रक्चर के पॉइंट है वो आज हम डिस्कस करेंगे. सम पॉइंट्स रिलेटेड विद द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. इन अ ग्रूव वन नाइन मेंबर्ड और डबल रिंग प्यूरिन ऑलवेज बाउंड विद द सिक्स मेंबर्ड पिरामिड. यहाँ जो कल हमने मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की बात की थी और हमने कहा था कि ए ऑलवेज बाउंड विद द टी एंड सी ऑलवेज बाउंड विद द जी. ए क्या है? प्यूरिन. और टी क्या है? पिरामिडिन. सी है पिरामिडिन और जी है आपके पास प्यूरिन. कि एक प्यूरिन हमेशा पिरामिडिन के साथ बाउंड करेगा, क्योंकि प्यूरिन क्या है आपके पास? नाइन मेंबर्ड रिंग और पिरामिडिन है सिक्स मेंबर्ड रिंग. दो नाइन मेंबर्ड यहाँ फिट नहीं हो सकते और सिक्स मेंबर रिंग के अगर यहाँ दो इकट्ठे आए तो ये स्पेस क्या है? ज्यादा रहेगा. इसलिए एक नाइन मेंबर रिंग हमेशा एक सिक्स मेंबर रिंग के साथ बाउंड करती है. ए ऑलवेज बाउंड विद द टी एंड सी ऑलवेज बाउंड विद द जी. ए और टी के बीच में रहेंगे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और सी और जी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी. नाइट्रोजनस बेस पेयर अटैचेस विद द पेंटोज शुगर ऑफ द पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड. जो नाइट्रोजिनस बेस पेयर है वो पेंटोज शुगर के साथ अटैच है. और कौन सा बॉन्ड है उनके बीच में? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. टू पेंटोज शुगर आर कनेक्टेड विद द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. जो दो पेंटोज शुगर आपस में अटैच है उनके बीच में बॉन्ड है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉस्फेट ग्रुप. तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ये आप प्लस वन में कर भी चुके हैं. पॉलैरिटी की हमने कल बात की थी कि एक फाइव डैश एंड होगा और दूसरा थ्री डैश एंड होगा और उसके अपोजिट में एक थ्री डैश एंड होगा एंड सेकेंड वन इज द फाइव डैश एंड. कल भी हमने जिक्र किया था फाइव डैश मीन्स द कार्बन इज फ्री एट द फिफ्थ पोजिशन एंड थ्री डैश मीन्स द कार्बन इज फ्री एट द पोजिशन नंबर थ्री. एंटी पैरेलल डायरेक्शन. अगर एक का फाइव डैश है तो दूसरे का आपके पास क्या मिलेगा यहाँ पे पॉलैरिटी में? थ्री डैश एंड. द टू चेन्स ऑफ डीएनए रन इन एंटी पैरेलल और अपोजिट डायरेक्शन. दस द टू चेन्स आर पैरेलल बट दे आर फाइव डैश थ्री डैश एंड आर एंटी पैरेलल. ये हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, ये रिवर्स में होती है. एक का फाइव डैश है तो दूसरे का थ्री डैश, ये एंटी पैरेलल पोजिशन है. नेक्स्ट देखिए कॉम्प्लीमेंटरिटी ऑफ द बेस पेयर. अगर आपको एक डीएनए की सीक्वेंस पता है यू कैन फाइंड आउट द सेकेंड वन. ठीक है, क्योंकि आपको पता है ए के अपोजिट टी है, सी के अपोजिट जी है, जी के अपोजिट सी है, टी के अपोजिट ए है. लेकिन वो सेम नहीं है, सेम नहीं है बट वो कॉम्प्लीमेंट्री है. द टू पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए आर नॉट आइडेंटिकल बट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. अगर एक जगह ये है तो फिक्स है कि दूसरी के लोकेशन पे वही मिलेगा. कॉम्प्लीमेंट्री. डीनेचुरेशन. जब भी आप डीएनए को हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे वो अपनी डबल हेलिकल फॉर्म से हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उनके बीच में वो ब्रेक कर जाएंगे और दो आपके पास सेपरेट थ्रेड आपको मिल जाएंगी. उसे कहते हैं डीनेचुरेशन, रिमूवल ऑफ बेसिक नेचर. बेसिक नेचर क्या है? हेलिकल फॉर्म. रीनेचुरेशन. जैसे ही आप उसे नॉर्मल टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो जो दो डीएनए की स्ट्रैंड है वो वापस से क्या है? डबल हेलिकल डप्लेक्स फॉर्म में आ जाती है. इसे कहा जाता है रीनेचुरेशन. एब्जॉर्बेंस. अ डीनेचर्ड, जो डीनेचर्ड डीएनए है अलग अलग हो गई है दो डीएनए की स्ट्रैंड, वो बहुत ज्यादा मतलब नॉर्मल से ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेंगी, हेलिकल फॉर्म से ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेंगी. बिकॉज इट्स बेसिस इन द सिंगल स्ट्रैंड आर मोर एक्सपोज. जितना ज्यादा एक्सपोजर होगा उतना ज्यादा वो लाइट एब्जॉर्ब करेंगी. एंड दिस राइज इन लाइट एब्जॉर्बेंस. इस लाइट एब्जॉर्बेंस की पावर को बढ़ा देना ही क्या कहलाता है आपके पास? हाइपरक्रोमेटिक शिफ्ट. हाइपरक्रोमेटिक शिफ्ट. ऑप्टिक रोटेशन की अगर हम बात करें तो डीएनए इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी. ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी. एक लीवो रोटेटरी है, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब राइट साइड में वो शिफ्ट कर देता है प्लेन पोलराइज लाइट को, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी. वेराइटी की अगर हम बात करें तो डीएनए के बहुत सारे टाइप हैं. देखिए लीनियर एंड सर्कुलर डीएनए. लीनियर डीएनए क्या होगा? जिसके फ्री एंड हो. ये जैसे ये स्ट्रक्चर, ये लीनियर डीएनए सीधा. एक ये फ्री एंड है, एक ये फ्री एंड है. इट इज फाउंड इन द न्यूक्लियाई ऑफ द यूकैरियोटिक सेल में मिलता है. प्रोटीन के साथ हमेशा एसोसिएटेड फॉर्म में मिलेगा. फिर एक है सर्कुलर डीएनए जो प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है, यू सर्कुलर फॉर्म में जो मिले आपके पास. इन द माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, जो यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, उनके अंदर भी ये सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है. ट्रॉफिक एंड जेनेटिक डीएनए. ट्रॉफिक डीएनए क्या है बेटा? सीलिएट्स हैव ट्रॉफिक डीएनए इन मैक्रो न्यूक्लियस.
दो न्यूक्लियस, उसमें बड़े वाले में ये सीलिएट्स के अंदर ट्रॉफिक डीएनए होता है. इट कंट्रोल्स द वेजिटेटिव फंक्शन, बॉडी के अंदर जितने भी वेजिटेटिव फंक्शंस हैं उनको ये कंट्रोल करेगा, मतलब जो बॉडी के पार्ट्स की ग्रोथ है उनको कंट्रोल करेगा. जेनेटिक डीएनए इन सीलिएट्स, जेनेटिक डीएनए लोकेटेड इन माइक्रो न्यूक्लियस, छोटे वाले में है, एंड कंट्रोल द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट परफॉर्म द एक्टिविटी ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ए बी सी डी एंड जेड डीएनए, देखिए बेटा ए बी सी डी एंड जेड डीएनए, नंबर ऑफ बेस पेयर टर्न, डायरेक्शन ऑफ कॉइलिंग, इन सारे पॉइंट्स का हम ध्यान रखेंगे. एसपी बैकबोन और लेंथ ऑफ टर्न, टी यू आर एन, टर्न. ए के अंदर बेस पेयर 11, ये देखिए ये इस बेस पेयर की बात कर रही है कि इस एक ग्रूव में कितने नंबर हो सकते हैं. जैसे नॉर्मली हम 10 लेते हैं ह्यूमन वाले में, बी टाइप होता है, ठीक है, वैसे ए में यहाँ पे एक इसमें कितने पॉसिबल हैं आपके पास, 11, बी में 10, सी में 9, डी में 8, जेड में 12. डायरेक्शन ऑफ कॉइलिंग राइट हैंडेड होगा, राइट हैंडेड, राइट राइट राइट, सिर्फ ये एक जेड वाला लेफ्ट हैंडेड है. एसपी बैकबोन स्मूथ 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 स्मूथ, इसमें जिगजैग पैटर्न होता है. लेंथ ऑफ टर्न यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता, बी वाले में 34 एंगस्ट्रॉम, जेड वाले में 45 एंगस्ट्रॉम. इनमें बी डीएनए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. इट अकर्स अंडर द फिजियोलॉजिकल कंडीशंस इन द लिविंग सेल्स, ह्यूमन के अंदर यही है. जेड डीएनए इट इज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर रिच, ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केसेस में चला जाता है, इसलिए 1979 में. इट इज प्रेजेंट इन स्लाइवरी ग्लैंड पॉलिटीन क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला की स्लाइवरी ग्लैंड में पॉलिटीन क्रोमोसोम थोड़ा सा बड़े साइज में होता है, उसके अंदर ये जेड डीएनए पाया जाता है. फिर है, एक है कोडिंग एंड नॉन कोडिंग डीएनए. पहले देखिए नॉन कोडिंग, ग्रेटर पार्ट, मतलब नॉन कोडिंग जो कोड नहीं कर रहा. नॉर्मली हम कहते हैं ना कि डीएनए से आगे कोई जीन एक्सप्रेस करेगा, सारे काम होंगे, ए प्रोटीन बनेगा, लेकिन वो सब काम ना हो उस पार्ट को नाम दिया जाता है नॉन कोडिंग डीएनए. ग्रेटर पार्ट ऑफ डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल डज नॉट कोड फॉर आरएनए, वो आरएनए के लिए कोड नहीं करता. इस एक्स्ट्रा और नॉन कोडिंग सीम्स टू हैव नो फंक्शन, ऐसा माना जाता है इसका फंक्शन नहीं है. नॉन कोडिंग डीएनए हैज मैनी बेस सीक्वेंस रिपीटेड, ऐसा माना पहले जाता था बेटा, आज के दिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इस नॉन कोडिंग का बहुत बड़ा रोल है. ये जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है रिपीटेड सेवरल टाइम, बहुत बार, जैसे एटीसीजी 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 आपके पास 50 बार 100 बार 1000 बार रिपीट हो सकती है. द रिपीटेड सीक्वेंस कलेक्टिवली कॉल्ड रिपीटेटिव डीएनए, जो ये लगातार रिपीट होने वाला डीएनए से नाम दिया जाता है रिपीटेटिव डीएनए. डीएनए आर नॉट फाउंड ऑन फिक्स साइट इन द डीएनए एट डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द, जैसे मान लीजिए ये मेरा डीएनए और ये आपका डीएनए, मेरे पास ये सीक्वेंस है ए टी सी मान लो, ए टी सी जी मान लो, सी जी ए, वट एवर, ये रिपीट हुई यहाँ यहाँ से यहाँ तक 50 बार, और आपके ये रिपीट हो गई यहाँ से यहाँ तक 10 बार. तो कोई फिक्स लोकेशन नहीं है, हर एक इंडिविजुअल में इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है. जो जितना क्लोजली रिलेटेड होगी ये रिपीटेटिव सीक्वेंस उसके अंदर उतनी ज्यादा मैच करेगी. सच मोबाइल डीएनए सेगमेंट, मतलब मूवमेंट के बेसिस पे कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं, इन्हें जंपिंग जीन्स भी कहा जाता है. कोडिंग डीएनए जो किसी चीज के लिए कोड करें, प्रोटीन कोडिंग डीएनए कंटेन मोस्ट ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड इट कोड फॉर द सेल प्रोटीन, सेल प्रोटीन के लिए कोड करेगा. हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन है लेकिन हिस्टोन को छोड़ के ये बाकी प्रोटीन्स के लिए कोड कर. आगे देखिए बेटा, डीएनए कोडिंग फॉर आरआरएनए, tRNA and histone. DNA sequence that code for rRNA, ribosomal RNA, T, transfer RNA, message, transfer RNA and histone, जो DNA packaging में काम आएगा, are repeated because these substances are needed in large amount. ज़्यादा चाहिए आपको. Chargaff's rule देखिए, डीएनए के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ रूल बनाए थे चारगव्स ने, वो है चारगव्स रूल. द प्यूरिन एंड पिरामिडिन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट, प्यूरिन और पिरामिडिन की टोटल अमाउंट क्या है एक दूसरे के इक्वल रहेगी, ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी, टोटल प्यूरिन टोटल पिरामिडिन के इक्वल होगा. द अमाउंट ऑफ एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू थायमिन, ए हमेशा टी के इक्वल होगा और साइटोसिन हमेशा गुआनोसिन के इक्वल होगा. However, the amount A plus T is not necessarily equal to C plus G. The base ratio A plus T upon C plus G may vary from one species to another. ये एक species में constant होगी, एक species से दूसरी species में vary कर सकती है.
The deoxyribose sugar and phosphate component occur in equal proportion. Deoxyribose sugar और phosphate, क्योंकि इनके बीच में phosphodiester बनता है, bond बनता है, तो ये equal proportion में है. ठीक है जी, ये है चार गव्स रूल. आगे देखिए, ये दो तीन छोटी छोटी टर्म है. सेंस ट्रेंड, द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट इन द बेस सीक्वेंस. सारी की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन बेस नाइट्रोजिनस बेस पेयर की सीक्वेंस में ही है. वन ऑफ द टू चेन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल. ठीक है, डीएनए के दोनों मॉलिक्यूल में, इसी चेन में, मतलब इसी नाइट्रोजिनस बेस पेयर में सारी इन्फॉर्मेशन है, और इन्हीं चेन को हम नाम देते हैं सेंस ट्रेंड, जो एक्चुअल में आगे काम करेगी. दो स्ट्रैंड है, दो में से एक्चुअल में एक अकेली स्ट्रैंड क्या है, नई डीएनए की कॉपी तैयार कर रही है, दूसरी नहीं करती. जो दूसरी सीक्वेंस है जो डीएनए की कॉपी तैयार नहीं कर रही, कॉम्प्लीमेंट्री चेन विच डू नॉट कोड फॉर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो काम नहीं कर रही, उसे नाम दिया जाता है एंटीसेंस, जो काम नहीं करे. सिस्ट्रॉन, ए पार्ट ऑफ द सेंस ट्रेंड. इस सेंस ट्रेंड का वो हिस्सा जो एक्चुअल में पॉलीपेप्टाइड के लिए, प्रोटीन के लिए कोड करता है, उसे नाम देते हैं सिस्ट्रॉन. क्योंकि सेंस ट्रेंड में भी क्या है, रिपीटेड यूनिट्स हो सकती हैं जो काम नहीं कर रही, लेकिन एक्चुअल में जो हिस्सा काम करेगा दैट इज नॉन एज सिस्ट्रॉन. इट कंसिस्ट ऑफ मैनी कोडोन. नाइट्रोजिनस बेस पेयर की ट्रिपलेट यूनिट को नाम दिया जाता है कोडोन. इसी चैप्टर में आएगा आपके पास. नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपके पास पैकेजिंग ऑफ डीएनए. द लेंथ ऑफ डीएनए, अब आप खुद सोच के देखो, ह्यूमन के अंदर लगभग 2.2 मीटर लंबा डीएनए है. ठीक है, और वो छोटे से न्यूक्लियस में सेटअप है, मतलब एक सेल ही हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखनी पड़ रही है, और सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में 2.2 मीटर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है. इसका मतलब कोई पैकेजिंग मटेरियल तो है. जैसे आपको कहीं घूमने जाना है तो आप प्रॉपरली अपना बैग पैक कर रहे हो, अगर आप रफली उसमें सारी चीजें डालोगे तो क्या मतलब बड़े बैग में भी आपका सारा सामान आ पाएगा, नहीं. तो देखिए, द लेंथ ऑफ डीएनए हेलिक्स ऑफ ममेलियन सेल इज वेरी लॉन्ग, अप्रोक्सीमेट इतना 2.2 मीटर. सच ए लॉन्ग चेन ऑफ डीएनए हेलिक्स इज अरेंज इन सच ए वे दैट इट इज अकोमोडेट इन साइड द न्यूक्लियस. किसे पूरे 2.2 मीटर थ्रेड को आपके पास डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर आना है. प्रोकैरियोट्स की जब हम बात करें, देयर इज नो डिफाइनाइट न्यूक्लियस, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, और डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड, लेकिन फैला हुआ भी नहीं है कि वो सेल के बाहर ही कहीं फैल गया. इट इज ऑर्गेनाइज टू फॉर्म न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोइड के अंदर वो क्या है, अरेंज है. यूकैरियोट्स की जब हम बात करें तो उनके अंदर थोड़ा सा मैकेनिज्म कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि दे आर हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. इट इज एसोसिएटेड विद द सेट पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन हिस्टोन. वो हिस्टोन के साथ अटैच है जिनके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, और बाय नेचर क्या है, बेसिक, क्योंकि वो बेसिक अमीनो एसिड से मिलकर बने हैं, इसलिए हमने नाम दिया है बेसिक प्रोटीन. हिस्टोन आर लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन, वेट इनका कम है, रिच इन बेसिक अमीनो एसिड. ठीक है, बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन और आर्जिनिन. डीएनए खुद है नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप के कारण, और ये है पॉजिटिवली चार्ज, इसलिए इनकी पैकेजिंग पॉसिबल है. द डीएनए एंड हिस्टोन आर लूजली बाउंड टूगेदर. बहुत ज्यादा क्लोज नहीं लगी, वो लूजली एक दूसरे के साथ अटैच है 1:1 की फॉर्म में, मतलब इतना इक्वल प्रोपोर्शन उनका है. टू फॉर्म डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियो प्रोटीन. डी ऑक्सीराइबो शुगर से मिलकर डीएनए बना था, तो वर्ड लिया डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियो न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन हिस्टोन के कारण, क्रोमेटिन नाम दे दिया. द पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप ऑफ दीज अमीनो एसिड. अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर ध्यान है ना आपको, कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन, एक आपके पास क्या है अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और एक होता है आपके पास आर ग्रुप, रिप्लेसेबल ग्रुप. तो आर ग्रुप जिसे रिप्लेस किया जा सकता है. ऑफ दीज अमीनो एसिड बाइंड स्ट्रांगली टू द नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप ऑफ डीएनए. ये वाली जो चीज है, ये डीएनए के नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच करेगी, और दिस लिंकेज मेंटेन्स द हेलिकल फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल. आ गई हेलिकल भी. हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर. ये हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ के ऑक्टामर यूनिट बनाते हैं डीएनए के साथ. इट कंसिस्ट ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच 4 टाइप. चार तरह के प्रोटीन हैं, और हर एक प्रोटीन के दो दो आपके पास मॉलिक्यूल हैं. चार टाइप कौन से हैं, H2A, H2B, H3 और H4. एक फिफ्थ टाइप का हिस्टोन होता है जिसे H1 कहते हैं, अटैच टू द डीएनए नियर द बीड. अभी दिखाती हूँ डायग्राम में. इस पूरे स्ट्रक्चर को जब आपका डीएनए
इस क्या नाम है हिस्टोन के साथ अटैच हो गया, तो उसने बनाया न्यूक्लियोसोम। द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। दिस इज डायग्राम फॉर द न्यूक्लियोसोम। चार आपके पास प्रोटीन है, चार टाइप के, दो दो करके टोटल एट, H2A, H3, H4, ये देखिए बेटा H2B और एक ये अलग, पूरे जैसे मोतियों की माला पे अलग से एक बीट H1। ये टोटल लेंथ होगी 11 नैनोमीटर, यहाँ डायमीटर रह जाएगा 5.5 मीटर। यहाँ पे ये क्रोमोसोम डीएनए की थ्रेड जो है वो यूं इस पे पूरी रैप्ड होती है, और ये आगे फिर अगला फिर स्ट्रक्चर जो बीच में जोड़ दे, दैट इज डीएनए लिंकर। दिस इज डायग्राम फॉर द न्यूक्लियोसोम, ऑक्टामर यूनिट पे डीएनए रैप्ड फॉर्म में। इंपॉर्टेंट है बेटा ये डायग्राम। आगे देखिए, क्रोमेटोसोम अ न्यूक्लियोसोम एंड ए डीएनए लिंकर टुगेदर। न्यूक्लियोसोम को और डीएनए लिंकर को जब एक साथ हम कंसीडर करें तो वो क्या बना देगा बेटा आपके पास, क्रोमेटोसोम। ये देखिए, ये बहुत सारी न्यूक्लियोसोम की यूनिट कनेक्ट हुई, बीच में डीएनए का थ्रेड जिसे हमने नाम दे दिया डीएनए लिंकर। न्यूक्लियोसोम और डीएनए लिंकर को एक साथ हम क्या नाम देते हैं, क्रोमेटोसोम। ये देखिए बेटा, न्यूक्लियोसोम प्लस डीएनए लिंकर क्रोमेटोसोम, ठीक है। ये आपका डीएनए पैकेजिंग में अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये आपका कंप्लीट डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ये न्यूक्लियोसोम हमने कंसीडर किया, क्रोमेटोसोम हमने कंसीडर किया, यहाँ पे ये इस फॉर्म में आया, ठीक है, वेवी फॉर्म में। इससे आगे पैकेजिंग के टाइम पे क्या है, ये छोटे छोटे यू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप कंसीडर करोगे, और उसके बाद ये आता है क्रोमेटेड की फॉर्म में, ठीक है। दिस इज द डीएनए पैकेजिंग मैकेनिज्म। ये डायग्राम न्यूक्लियोसोम का आपके पास इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है।